नमस्कार, मैं हूं शमशी फिरदौस। आप देख रहे हैं बिहार टीवी। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा नालंदा के सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक और कर्मियों द्वारा वेतन निकासी समेत अन्य कार्यों के लिए नाजायज राशि व घोटाले की लिखित शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देश पर नालंदा के एडीएम मोहम्मद नौशाद अहमद आज जाँच करने सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सभी फाइलों को घंटों खगला। इस दौरान उन्होंने एक लिपिक की गड़बड़ी को पकड़ा, जो बड़े घोटाले की ओर संकेत कर रहा है। लिपिक द्वारा पूर्व में 3,92,000 रुपए की निकासी कर ली गई है। ऑडिट में पकड़े जाने पूर्व उसने मिली भगत से 2,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से सेटलमेंट करने की जिक्र कर दिया है, मगर ना तो उसका कोई आदेश है, ना ही सर्विस बुक, ना ही वेतन बुक में ही लिखा गया है। उन्होंने बताया कि पूरी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जांच टीम के आते ही सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मियों में हड़कंप मच गया। जो क्लरिकल स्टाफ यहाँ बहाल है, उनका आरोप था कि उनको एसीपी सेवांत लाभ ये सब देने में दिक्कत की जा रही है या नहीं दी गई है। इस यहाँ हमने देखा उपस्थिति पंजी में कुल 11 लोग हैं, यहाँ का स्थापना में 11 क्लर्क्स हैं। उन 11 के साथ ये मामला नहीं है, एक आदमी का मामला आया है जनार्दन प्रसाद का, जिन्होंने वेतन 3,91,000 समथिंग रुपए अधिक निकासी की है, और बाद में जब डिटेक्ट हुआ है तो उसकी कटौती 2,000 रुपये महीने की जा रही है, जो आपत्तिजनक है। वो एक मुश्त, अगर गलत पेमेंट हुआ था तो एक मुश्त काट लेना चाहिए था। हमको लगता है कि यहाँ वित्तीय अनियमितता हो रही है, और बाकी मामले अभी हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद ही बता कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा आरोप होगा वैसी कार्रवाई होगी। एक सर यहाँ अनिल जी हैं, जो दो दो जगह पर, हाँ, उनका हम मांगा है, डिटेल्स मांगा है, अभी आपने नोट कराया था जी, एक पत्रकार बंधु ने ही नोट कराया है, उसको हम मांग रहे हैं।